और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पर्सनालिटी 4 का एफ का पार्ट 3। दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। इसने बोला है दोस्तों, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 200 कितना है, 90 है, ठीक है दोस्तों। तो उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक बोला है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप क्या लिखिए दोस्तों, हल। हमने पार्ट 1 में शायद बताया था कि धन पूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होते हैं क्रमागत में। ध्यान दीजिएगा हमारी जो गिनती स्टार्ट होती है दोस्तों कैसे होती है, जैसे हमारा अगर अब चर संख्या में लिया जाए तो क्या होगा x, फिर क्या होगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे होगा, ठीक है। और अगर अपने अंकों में लिया जाए 1, 2, 3, 4, ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो ये क्या हो गया मान लीजिए सम, ये क्या हो गया सम, ठीक है। लेकिन इसमें क्रमागत क्या बोला है दोस्तों, विषम पूर्णांक। तो ये जो इसके सामने ये क्या हो गया विषम, तो पहला विषम ले लेंगे, ये तो सम हो गया, दूसरा इसके सीधे सम हो गया, ये तीसरा क्या हो गया विषम हो गया, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम होता है दोस्तों। तो क्या करना है, जो इसमें आपको विषम मिला यानी एक्स मिला और एक्स प्लस 2, ये आपका क्या हो गया विषम हो गया। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक। तो धन विषम पूर्णांक जो निकलेगा, पहला क्या निकलेगा दोस्तों x, और दूसरा क्या निकलेगा x प्लस 2, ठीक है। पहला x और दूसरा क्या निकला x प्लस 2। हमने अब इसको मान लिया, फिर क्वेश्चन में बोला है दोस्तों जिनके वर्गों का योग 290 है। अब इनके वर्गों यहां लिखिए दोस्तों प्रश्नानुसार, अब जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। इनके वर्गों का योग बोला है, तो इनके वर्गों का योग करिए दोस्तों। तो वर्ग यानी x का स्क्वायर, और इसका वर्ग यानी x प्लस 2 का स्क्वायर। अब इनके वर्गों का क्या योग कितना है दोस्तों, 290, ठीक है। इनके वर्गों का योग कितना निकला है, 290 निकला है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है, तो इसको क्या कर रहा है दोस्तों, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो अगर x स्क्वायर करेंगे यानी a स्क्वायर, तो a का मतलब x स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस फिर क्या होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 2ab, तो 2a का मतलब x, फिर b, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, ठीक है दोस्तों। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तब इतना आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 290, कन्फर्म हुआ दोस्तों। अब इसको आप जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर प्लस कितना है 4x, तो प्लस 4 लिखिए, और 290 इस तरफ आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 290, और प्लस कितना है 4 बराबर 0, इतना कंफर्म हुआ। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों 4x, 290 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 286 बराबर में 0 है, तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। देखा जाए दोस्तों, 2 से 2, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, और 2 से 286 भी कट जाएगा, यानी 2 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 2 को जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 बचेगा, और ये x बचा रहेगा माइनस, 2 से काटेंगे 2 एक का 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, जो बचा उसको लिख दीजिए बराबर में 0, तो बराबर में आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना, ठीक है।
अब दो को आप जीरो के पास पंचांतर करेंगे तो दो जीरो में कितना हो जाएगा, जीरो। बचेगा यहाँ पर क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस कितना दोस्तों, 143 बराबर जीरो। अब आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ने कितना आ जाए दोस्तों, 143 आ जाए जोड़ने पे या तो घटाने पर, जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए उन्हीं को जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए दोस्तों, दो। ठीक है, उस तरीके से आपको हल करना है। तो चलिए दोस्तों कैसे हल करते हैं देख लेते हैं। यदि हम इसको 13 से काटेंगे, ध्यान दीजिए 13 एक का 13 13 11 हमें गुणा करेंगे तो ये कितना 143 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम 143 है, ठीक है 13 से भाग दे दें तो 13 एक का कितना आ जाएगा, 13 एक बचेगा यहाँ पे 3, 13 एक का 13 तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 11। यानी 13 और 11, 13 में से 11 घटाएंगे दो भी आ जाएगा। तो इसी के सहारे से हम इसको क्वेश्चन को क्या करते दोस्तों, हल कर लेते। तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे 13x और माइनस कितना दोस्तों, 11x। अब 13 में से 11 घटेगा तभी 2 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और माइनस कितना 143, तो 143 लिख दीजिए, बराबर में शून्य है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शून्य लगा देना है। इतना समझ में आया दोस्तों, इतना जब आप कर लेंगे तो दो दो को आपको क्या बना लेना होगा, जोड़ा। जैसे ही द्विघात बन जाएगा तो आपको ये प्रक्रिया करनी है, यह प्रक्रिया करने के बाद आपको एक्स का मान निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम एक्स का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए x x मिला है तो x कॉमन कर लीजिए, x से x कटेगा तो एक x बचा रहेगा, x से x कटेगा तो प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 13, माइनस यहाँ देखिए दोस्तों 11 कॉमन हो जाएगा, जब 11 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 एक का 11 और 11 तीन 33, 13 आ जाएगा बराबर में 0। अब देखा जाए दोस्तों पहले वाले कोष्टक में x प्लस 13 है, दूसरे वाले कोष्टक में x प्लस 13 है, तो दोनों मिला इसको हम एक साथ लिख देंगे, यानी x प्लस क्या लिख देंगे 13। अगले क्वेश्चन बचेगा x माइनस 11, तो x माइनस क्या कर देंगे 11, बराबर में 0 है तो बराबर में हम 0 लिख देंगे। अब दोनों कोष्टकों के बराबर 0 आ गया तो हम किसी एक यहाँ की मतलब जो प्लस में आएगा उस मान को लेकर हम हल कर लेंगे। तो दोनों कोष्टकों के बराबर जब 0 दिख रहा है तो अलग अलग बराबर 0 मान लीजिए, तो लिखेंगे एक्स प्लस 13 बराबर 0। जब x बराबर निकालेंगे तो प्लस में इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, यानी x बराबर निकलेगा माइनस 13। इसको हल करेंगे दोस्तों तो x माइनस 11 बराबर मानेंगे 0, x बराबर निकालेंगे तो माइनस में इधर आए किस में हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ गया 11। यहाँ देखा जाए दोस्तों तो x का दो मान निकला है, तो x का दो मान तो निकला है लेकिन हमें किसको लेना है, सिर्फ प्लस वाले को। तो हमने शुरू में माना था अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या में बतानी है तो लिखिए दोस्तों अभीष्ट संख्या जो क्रम था, हमने धन पूर्णांक माना था, क्या माना दोस्तों x और x प्लस क्या माना था 2, तो यही ज्ञात करना है। तो x कितना निकला, हम प्लस वाले को लेंगे माइनस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लस वाला निकला है 11 पहला, फिर x का मान यहाँ रखेंगे 11 प्लस कितना 2, तो 11 तो ऐसे रहेगा, फिर 11 दो कितना हो जाएगा 13, तो अभीष्ट संख्या जो निकलेगा आपका कितना 11, 13, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है दोस्तों क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे हल। अब जैसा बोला है वैसा आपको लिखते चलना है। तो इसमें बोला है कि बगिया की चौड़ाई जो है, बगिया की लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी है दोस्तों, दो गुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर और बगिया की लंबाई भी मान लेते दोस्तों, तो
तो बगिया की लंबाई बराबर निकालेंगे, तो लंबाई इसका दो गुना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगा 2x मीटर। अब बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ लिखिए दोस्तों बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ आप लिख दीजिए क्या 800 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब बगी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ पर हो जाएगा उड़ते लंबाई गुणते चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों आयताकार क्षेत्र का लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या है दोस्तों 800, तो 800 मीटर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए लंबाई कितना दिया है 2x, तो यहाँ पर रख दीजिए 2x इंटू चौड़ाई कितना दे रहा है x, तो रख देंगे यहाँ पे x। ठीक है, बराबर में कितना 800 मीटर, तो 800 लिख दीजिए। x से x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बराबर में कितना है 800, तो 800 लिख दीजिए। यदि हम उसको 2 से काटेंगे 800 को, तो क्या आएगा x स्क्वायर बराबर 2 × 8 यानी 400 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर करणी हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा दोस्तों करणी लग जाएगा, यानी करणी के अंदर कितना हो जाएगा 400। किसी भी संख्या से यदि स्क्वायर हटाते हैं बगा बराबर के उस तरफ जाता है स्क्वायर, तो वहाँ पर करणी लग जाती है। एक्स बराबर निकालेंगे तो ये जो करणी, अगर हम 400 को बाहर निकालेंगे करणी से, तो 400 कितने का वर्ग होता है दोस्तों 20 का, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 2 = 4 होगा, ध्यान दीजिए 4 का वर्ग कितना, वर्गमूल निकालेंगे 2 निकलेगा, और 2 0 है तो 1 बाहर निकलेगा, तो यानी 20 निकल जाएगा। ठीक है, एक्स का मान निकला है जो प्लस माइनस कितना निकला है यहाँ पे 20, तो हम जो भी संख्या लेंगे किस में लेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, तो बगिया की चौड़ाई और बगिया की जो लंबाई निकली है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों बगिया की चौड़ाई और बगिया की क्या बोला था लंबाई, दोनों पूछा था, तो यहाँ लिखिए बगिया की लंबाई, तो बगिया की चौड़ाई और बगिया की लंबाई बोला है दोस्तों, तो बगिया की चौड़ाई हमने माना था क्या x, तो x का मान लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है, प्लस में, और बगिया की लंबाई, लंबाई क्या निकला दोस्तों 2x, तो 2 × x का मान कितना लेंगे 20, तो 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 दुना कितना आ जाएगा 40 मीटर, उसका दोगुना निकल गया। ठीक दोस्तों, समझ में आया, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या बोला है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है दोस्तों 20 वर्ष है, दो मित्र हैं जिनके आयु का अगर इनको जोड़ा जाए तो उम्र कितनी निकलेगी दोस्तों 20 वर्ष निकलेगी। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल, यानी वर्षों का गुणनफल कितना था 48 था, तो माना दो मित्रों की आयु का योग कितना दोस्तों 20 वर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, माना जो मित्रों की आयु का योग है, हम पहले मान लेते हैं पहले मित्र की आयु x और दूसरे मित्र की आयु क्या मान लेते हैं दोस्तों y, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद आपको क्या करना है मान देना है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों माना पहले मित्र की जो आयु है वो क्या हो जाएगा x, माना पहले मित्र का आयु बराबर क्या दोस्तों 1 वर्ष, और दूसरे मित्र का आयु बराबर y वर्ष। अब इन दोनों का योग जोड़ा जाए तो कितना है दोस्तों 20 वर्ष, यानी x प्लस y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, x प्लस y बराबर कितना हो गया 20 वर्ष, और यदि हम यहाँ से मान लीजिए y बराबर निकालेंगे तो x उधर जाएगा, तो 20 माइनस क्या आ जाएगा x, इसको समीकरण आपको क्या करना है फर्स्ट मान लेना है। अब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु
का गुणनफल 48 था चार वर्ष पूर्व। तो यहां लिखिए दोस्तों चार वर्ष पूर्व। तो जब चार वर्ष पूर्व निकालेंगे तो पहले मित्र का आयु लिखिए दोस्तों, यहां पे लिखिए पहले मित्र का आयु। तो पहले मित्र का आयु निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x चार बोला है तो माइनस हो जाएगा, पहले जब भी बोलेगा तो हम घटा देते हैं मूल वर्त आयु में से। फिर दूसरे मित्र का आयु निकालिए दोस्तों, चार वर्ष पहले दूसरे मित्र का आयु, तो दूसरे का निकलेगा वाई माइनस चार और क्या हो जाएगा वर्ष। अब इन दोनों का गुणनफल जो है कितना है दोस्तों, 48 है। तो चलिए इसका गुणनफल हम क्या कर देते हैं, 48 कर देते हैं। तो यानी x माइनस चार गुणते y माइनस चार बराबर क्या निकलेगा, 48 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो x का y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। x का चार में करेंगे तो माइनस चार एक्स, चार का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस चार वाई, और फिर माइनस माइनस प्लस चार सौ कितना हो जाएगा, 16 बराबर 48। इतना समझ आए। अब एक्स वाई तो ऐसे रहेगा, मान लीजिए एक्स वाई माइनस ये कितना है दोस्तों, चार एक्स माइनस चार वाई बराबर 16 को उस तरह पंचांतर कर दीजिए तो इधर 48 माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x तो ऐसे रहेगा, y y का मान क्या निकला है, 20 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए 20 माइनस एक्स, ठीक है। y जगह हमने क्या रखा, 20 माइनस एक्स, क्योंकि हमने यहाँ निकाला था समीकरण फर्स्ट में, ध्यान दीजिए दोस्तों y बराबर निकाला था 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने रख दिया 20 माइनस एक्स। फिर माइनस चार वाई, वाई की जगह हम क्या रखेंगे, 20 माइनस एक्स, और यहाँ तो चार एक्स अभी है दोस्तों, चार एक्स, फिर माइनस चार वाई, वाई रखेंगे 20 माइनस एक्स, और बराबर में 48 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इतना कन्फर्म हुआ, कोष्ठक को तोड़ दीजिए, x का 20 में गुणा करेंगे तो 20x, x x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कितना 4x, फिर 4 का 20 में करेंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80, फिर माइनस माइनस प्लस 4 का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर कितना, 32। 4x प्लस में 4x माइनस में ये कट जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है दोस्तों, 20x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 20x, और इधर 32 पहले से, तो 32 इधर आएगा, ये 80 है, इधर भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 32 पहले से, 80 इधर आएगा तो प्लस 80 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 पंचांतर करने के बाद। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस 20x भी ऐसे रहेगा, 80 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112, ठीक है। तो प्लस लिखिए 112 बराबर 0। इतना समझा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, द्विघात में बन गया तो गुणनखंड, गुणनखंड इसका बनेगा देख लीजिए, 20 112, गुणनखंड यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम द्विघात समीकरण से इसका तुलना करके ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसके पहले कितना, 1, तो ए बराबर आ जाएगा 1, एक्स से एक्स कटेगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 20, और c बराबर कितना आ जाएगा, 112। यहाँ a, b और c का मान निकल गया। तो आपको एक फार्मूला हमने बताया था विविक्तकर का, ठीक है दोस्तों। यदि इसका विविक्तकर में अगर प्लस में मान आता है तो संभव है, वास्तविक मान आता है तो उसकी स्थिति संभव हो जाएगी, माइनस में आएगा तो स्थिति संभव नहीं होगी। विविक्तकर, विविक्तकर का फार्मूला था d बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या, 4ac। तो जब d बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर, बी का मान कितना, माइनस 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a, a का मान 1 इंटू सी, सी का मान 112। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 विषम में कितना हो जाएगा, 400, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक का 4, 4 एक का 4, 400 यहाँ 448 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो यहाँ पे यहाँ लिखिए माइनस 48। अब देखिए संख्या किसमें आ गई है, ऋणात्मक में आ गई, और इसका कोई वास्तविक मान नहीं निकला।
जबकि कोई वास्तविक मूल ही नहीं निकला, विविक्तर में अगर प्लस में निकलता तो स्थिति संभव हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो उसकी वर्तमान आयु निकली है माइनस में निकली है तो स्थिति संभव नहीं है। तो अतः लिख सकते हैं, आपसे इसमें बोला भी था कि स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बट उसका वास्तविक आयु ही नहीं निकला, ऋणात्मक में निकला है तो स्थिति संभव नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ लिख दीजिए स्थिति संभव नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण का कोई वास्तविक मान नहीं है, वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। अर्थात जो वर्तमान आयु होगा, वर्तमान आयु अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने की संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, जैसा बोला है दोस्तों वैसा करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए जो पूछा है उसी को आपको क्या करना है, मान लेना है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे माना पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई जो है दोस्तों क्या माने आप, x मीटर मान लीजिए, ठीक है। और पार्क की चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई को हम मान लेंगे दोस्तों y मीटर, ठीक है। अब आयताकार पार्क का परिमाप बोला है, तो यहां लिख दीजिए आयताकार पार्क का परिमाप, तो बोला है 80 मीटर है, कितना दोस्तों 80 मीटर, तो 80 लिख देंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए आयताकार पार्क का परिमाप का, आयत के पार्क का परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों, आयताकार का परिमाप होता है फार्मूला उसका, 2 × लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, और बराबर में कितना है 80। तो ध्यान दीजिएगा 2 से 80 कट जाएगा, 40 आ जाएगा यहाँ पर। लंबाई को हमने क्या माना है x, तो यहाँ लिख देंगे x, और चौड़ाई को हमने माना है y, तो यहाँ रख देंगे y, और बराबर में कितना हो जाएगा 40। यदि हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो y उधर जाएगा, तो क्या निकलेगा 40 माइनस y, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया दोस्तों 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 400 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते क्या चौड़ाई, बराबर कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई को हमने क्या माना है x, और चौड़ाई को क्या माना है y, बराबर कितना निकलेगा 400 मीटर। तो x, यहाँ x का मान कितना निकला है 40 माइनस y, तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस y, और y बगल में रहेगा, बराबर कितना 400, इतना कंफर्म हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए सबसे पहला काम आपका होगा कि इस कोष्टक को तोड़ देना है, तो कोष्टक का तोड़ेंगे तो y का 40 में गुणा करेंगे दोस्तों 40y हो जाएगा, माइनस y का y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। अब उसको उस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस में इधर आएगा y स्क्वायर प्लस में, फिर इधर 40 जाएगा उधर, तो माइनस कितना हो जाएगा 40y, और प्लस कितना 400 बराबर 0। अब आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ जाए दोस्तों 400 आ जाए, और जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उन्हीं को जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर या तो घटाने पर 40 आ जाए।
तो 20 बिसा हमें 400, 20 20 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस कितना 20y, फिर माइनस 20y और प्लस कितना 400 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बनाकर आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। इसमें देखिए y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन करेंगे, एक y से एक y कटेगा, एक y बचा रहेगा, माइनस फिर वह 20 बचेगा, y तो कॉमन हो गया, फिर माइनस यहाँ 20 कॉमन करेंगे तो y रहेगा, माइनस प्लस माइनस 20 से काटेंगे तो दो दूनी चार दो आ जाए, एक जीरो से जीरो कटेगा, एक जीरो बचा रहेगा बराबर में जीरो। y माइनस बी मिल रहा है तो इसको एक कोष्टम कर दीजिए y माइनस बी, अगले कोष्टम बचेगा y माइनस बी, तो यहाँ लिख दीजिए y माइनस बी और बराबर में जीरो। दोनों कोष्टकों के बराबर में क्या है दोस्तों, जीरो है। तो अलग अलग कोष्टकों के मान लीजिए यहाँ पे, तो y माइनस बीस बराबर क्या निकलेगा जीरो, तो y बराबर निकालेंगे कितना 20, यहाँ y का मान कितना है 20, इससे भी y का मान कितना आएगा दूसरे भी कोष्टक से 20 ही आएगा, इससे इस कोष्टक से 20 आया, इस कोष्टक से भी क्या आएगा 20 ही आएगा। जब दोनों कोष्टकों से 20 20 ही आ गया तब इस x ये y जो निकला है इसका मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है दोस्तों, x बराबर 40 माइनस y, y का मान कितना निकला 20, तो x बराबर क्या निकला दोस्तों 40 में से 20 गया 20 ही आ गया, x और y का मान जो निकला है समान निकला है, अतः जो पार्क बनेगा वह क्या बनेगा दोस्तों वर्गाकार बनेगा, ठीक है, क्योंकि x और y का मान दोनों बराबर ही आया है, चौड़ाई लंबाई दोनों बराबर आया है। देखिए जैसे लंबाई हो गया ये चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई लंबाई अब चारों, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20, ये भी यानी इधर से 20 x हो गया और y भी 20 हो गया, तो 20 भी जब बराबर आ रहे हैं तो यानी वर्ग एक बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः जो ये बनेगा दोस्तों पार्क संभव है, ठीक है, अतः पार्क बनना संभव, लिख दीजिए बनना संभव है, ठीक है, अतः पार्क बनना संभव है जो कि एक कैसा बनेगा वर्गाकार, तो यहाँ लिख दीजिए बनना संभव है लेकिन बनेगा कैसा वर्गाकार, ठीक है। तो यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो दो क्रमागत संख्याएं हमें बतानी है, तो लिख लीजिए दोस्तों दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे हल, हल लिखने के बाद उन संख्याओं को क्या करिए आप मान लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं, तो पहला जो होगा x और दूसरा जो होगा दोस्तों x प्लस क्या होगा 1, ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं पहला x और दूसरा क्या निकला x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए दोस्तों प्रश्नानुसार क्या बोला है, इनके वर्गों का योग कितना है 265 है, तो इनके वर्गों यानी x का वर्ग प्लस लगे योग बोला है और x प्लस 1 के वर्ग का योग कितना है 265 है, ठीक है, x का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x, b का इसका करेंगे तो 1/1 ही, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस कितना 265। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये कितना है प्लस 2x, उसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 265 और प्लस 1 ऐसे रहेगा बराबर में 0। अब क्या करना है दोस्तों 2x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए प्लस 2x ऐसे रहेगा, अब 265 में से ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना आ जाएगा 264 बराबर 0। इसमें देखिए दो 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 से सब कट जाएगा सम संख्याएं, तो दो को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस
दो से दो कटेगा बचेगा यहाँ पे x माइनस दो एक का दो, दो तिहाई छः, दो दूनी चार, यानी कट गया। ठीक है दोस्तों, अब दो को जीरो के पास भेज देंगे, जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर जीरो। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे 132 आ जाए, जोड़ने पर जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए उसको जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आ जाए दोस्तों, एक आ जाए। तो 12 दहम में कितना होता है 120 और 12 ग्राम में करेंगे 132 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 के पहाड़े के जोड़ा बनाकर हम हल कर लेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस क्या कर देंगे 11, 12 में से 11 घटेगा एक आ जाएगा, माइनस कितना 132 बराबर जीरो। अब दो दो का यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, जोड़ा बना लेना है। तो देखिए इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन करेंगे तो x से x कटे एक x बचा रहेगा, प्लस x से x कटा बचा कितना 12, माइनस यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो 11 बचेगा यहाँ पे x, माइनस माइनस क्या प्लस, 11 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा बराबर में जीरो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे, x प्लस 12, x प्लस 12 मिल रहा है तो इसको एक कोष्टक कर दीजिए x प्लस 12, अगले कोष्टक बचेगा x माइनस 11, तो लिख दीजिए x माइनस 11 बराबर जीरो। अब दोनों कोष्टकों के बराबर जीरो हो गया तो यहाँ लिखिए x प्लस 12 बराबर जीरो, तो x बराबर निकालेंगे प्लस में, उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, यहाँ x बराबर निकल गया माइनस 12, और दूसरे कोष्टक से निकालेंगे तो x माइनस 11 बराबर जीरो मानेंगे, तो जब x बराबर निकालेंगे तो इधर जाएगा क्या आ जाएगा प्लस में, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 11। अब हम माइनस वाले को क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे, क्योंकि दो क्रमागत संख्या बोला है तो माइनस वाले को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, प्लस वाले को लेकर चलना है। तो यहाँ लिखिए दो क्रमागत संख्याएं, हमने यही माने थे तो लिख दीजिए दो क्रमागत संख्याएं। तो संख्या हमने माना था x, x प्लस 1 माना था, तो x का मान 11 और यहाँ x का मान 11 प्लस 1 करेंगे तो ये तो 11 ऐसे रहेगा, 11 कितना हो जाएगा 12, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, इसमें बोला है दोस्तों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले हल कर लेते हैं, उनकी भुजाओं को हम वर्गों की दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो वर्गों की भुजाओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों सबसे पहले आप हल, हल लिखने के बाद उसको मान लीजिए, तो यहाँ लिखिए दोस्तों माना, पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे दोस्तों, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं x मीटर, और वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं यहां से, पहले वर्ग का परिमाप, होता है दोस्तों 4 × भुजा। ठीक है, 4 × क्या होता है भुजा, तो 4 ऐसे रहेगा, भुजा क्या निकला x, तो 4x क्या निकल जाएगा मीटर, ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब हम आपको बता दें पहले वर्ग का निकला, अब दूसरे वर्ग का भी निकाल लीजिए, तो यहां लिखिए दोस्तों दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, दूसरे वर्ग का परिमाप, और माइनस फिर क्या बोला दोस्तों, पहले दो क्वेश्चन बोला है, पहले वर्ग अंतर बोला है का परिमाप, इन दोनों का अंतर कितना दिया दोस्तों 24 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख दिए 24 है। ठीक है, तो दूसरे यहाँ से मान लीजिए मैं दूसरे वर्ग का परिमाप निकालना है तो पहला वर्ग उस तरफ चला जाएगा, ठीक है 4x उसमें जुड़ जाएगा, तो मान लीजिए मैं निकालना है दूसरे वर्ग का परिमाप,
तो ये उस तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पहले वर्ग का परिमाप जो है 4x है, तो उधर 24 पहले से है, तो 24 लिखिए, ये पहले वर्ग का परिमाप लिख दीजिए कितना 4x, पहले वर्ग का परिमाप ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना निकला है 4x निकला है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। हमें बोला था माना, हमें बोला था कि भुजा जो है वर्ग की भुजा पता नहीं उसको हम x मान लिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, पहले वर्ग का परिमाप हमने निकाला 4x, अब दूसरे वर्ग का परिमाप और पहले वर्ग का परिमाप का अंतर 24 है, तो हमने यहाँ पर अंतर 24 किया, तो हमने पहले वर्ग का निकाला था कितना 4x, तो इधर 4x रहता माइनस में रहता, उधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो दूसरे वर्ग का जो परिमाप निकला 24 प्लस 4x मीटर, आप इसको भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे मीटर। अब आपको क्या करना है, दूसरे वर्ग की भुजा अगर निकालनी है तो यहाँ निकाल लीजिए दोस्तों दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है, तो दूसरे वर्ग की अगर हम भुजा निकालेंगे तो भुजा क्या हो जाएगा, 4 से हम इसमें भाग कर देंगे, तो 4x यहाँ पे, सॉरी दोस्तों ये 24 है, यहाँ पे 4x है, तो ये यहाँ लिख दीजिए 24 प्लस 4x बटे 4 से हम भाग कर देंगे क्योंकि 4 भुजाएं होती, ठीक है। ऊपर देखिए 4 कॉमन दिख रहा है, जब यहाँ 4 कॉमन करेंगे तो 4 × 6 = 24, 6 प्लस कितना आ जाएगा x बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 6 प्लस x, यहाँ पे आ गया 6 प्लस x आ गया, ठीक है, और ये 6 प्लस x जो है वो मीटर में हो जाएगा। अब क्या करनी है ध्यान दीजिए, अब इन बोला है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना 468 है, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना दिया 468 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहला वर्ग हमने माना है x का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी x प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 468, ठीक। अब इसको तोड़ लीजिए तो यह एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 × 36 हो जाएगा, 20² यानी 36 प्लस 2ab 6 × 12 कितना x, इसको फार्मूले से तोड़ लीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और बराबर 400 कितना है 68। अब आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² और प्लस कितना है दोस्तों 12 है x, ये 468 इस तरफ आएगा तो प्लस 36 ऐसे रहेगा माइनस कितना हो जाएगा 468 बराबर में 0, तो यहाँ लिखिए 2x² प्लस 12x, ये घट जाएगा 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3 और हमें 400 कितना 32 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हल कर लेना है, कैसे, इसमें से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x² प्लस 2 × 12 = 6x माइनस, अब 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 1, 2 × 12 = 0 बराबर 0, तो बचेगा 2 को 0 के पास भेज देंगे 0 हो जाएगा, बचेगा x² प्लस 6x माइनस कितना 216 बराबर 0, इतना समझा दोस्तों। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने में 216 है, उसी पहाड़ा को जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना जाना चाहिए 6, तो 18 का 12 बार पढ़ेंगे दोस्तों, x² प्लस 18x माइनस कितना 12x, 18 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 18 में 12 गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा बराबर में कितना 0 है, तो 0 लिख दीजिए। अब क्या करना है, 2-2 का जोड़ा बना के हल कर लेना है, इसमें देखिए x मिला है तो x को कॉमन करिए, बचेगा यहाँ पे x प्लस x बाहर को बचा कितना 18 माइनस, यहाँ से 12 कॉमन दिख रहा है 12 कॉमन करिए बचेगा x माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, 12 से काटेंगे इसे 12 × 1 = 12 और 12 × 98 यानी 8 बराबर 0, तो x प्लस 18 मिल रहा है तो इसको लिख दीजिए x प्लस 18, अगले कोष्टक बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब 2 कोष्टक आ गए तो दोनों कोष्टकों को अलग अलग क्या मान लेना है 0 मान लेना है, तो x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 18, उधर निकालेंगे दोस्तों x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर निकालेंगे आ जाए कितना 12, x का एक प्लस में आया है मान, एक किस में आया दोस्तों माइनस में आया है, तो हमें माइनस वाले को छोड़ देना है प्लस वाले को ले लेना है, तो पहले वर्ग की भुजा निकालेगा दोस्तों क्या, पहले वर्ग की
भुजा। तो जो पहले वर्ग की भुजा निकला कितना, 12 मीटर। x माने थे तो x 12 हो गया, और दूसरे का होगा दोस्तों 12, यहाँ निकला था x प्लस 6, ठीक है दोस्तों, 6 प्लस x निकला था दूसरे वर्ग की भुजा। तो यहाँ लिखिए दोस्तों दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमने माना था क्या दोस्तों, 6 प्लस x। तो यहाँ पे 6 तो ऐसा रहेगा, x का मान कितना है 12, तो 12 6 कितना हो गया 18, क्या मीटर। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी गणित और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया वही हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, जैसा बोला वैसे करते चलिए। तो सबसे पहले बोला है दोस्तों शेफाली द्वारा गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है दोस्तों, 30 है। तो यहाँ लिख लीजिए शेफाली द्वारा गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना दिया दोस्तों, 30, ठीक है, इसके अंकों का योग कितना दिया 30। अब फिर बोला है मान, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, मान के तभी हल करेंगे नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखिए दोस्तों माना, माना शेफाली ने क्या किए गणित में x पाए, ठीक है, तो यहाँ लिखिए माना, तभी अलग अलग निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो माना शेफाली ने गणित में कितना पाए, x तथा अंग्रेजी में कितना पाएगा दोस्तों, तो पूरा अंग्रेजी का 30 है, तो गणित में x हो गया, तो अंग्रेजी का निकालेंगे तो यहाँ पे 30 माइनस क्या हो जाएगा x। माना शेफाली ने गणित में कितने किए, x किए, तो फिर अब अंग्रेजी के निकालेंगे तो 30 माइनस क्या हो जाएगा x, जब गणित का मिल जाएगा 30 में से गणित घटा देंगे तो अंग्रेजी का भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतने उन्होंने प्राप्त किए। अब आपको क्या करना है, 2 अंक गणित में अधिक मिले, तो यहां लिखिए जब 2 अंक गणित में अधिक मिले, तो गणित में हमने क्या माना दोस्तों, x माना है, 2 अंक अधिक मिले तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, और फिर क्या अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो लिख लीजिए जब अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो 3 क्या करेंगे हम घटा देंगे, पहले क्या था 3 यहाँ से अंग्रेजी, अंग्रेजी का कितना है दोस्तों 30 माइनस x है, लेकिन इसमें 3 कम मिल रहा है तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में 3 घटेगा 27 माइनस कितना हो जाएगा x, ये अंग्रेजी का उसका मॉक। अब आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार इसको हल कर लेना है, यहाँ लिखिए दोस्तों प्रश्नानुसार। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणा कर देना है x प्लस 2, और फिर क्या निकला 27 माइनस एक्स, इन दोनों का कितना आ जाएगा 210 बोला था, पूरा कितना हो जा रहा है दोस्तों 210, प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 हो रहा है, तो हम इसका गुणा कर रहे हैं 210 आ गया। अब x का 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x, और x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 2 का 27 में करेंगे तो 27 दुना कितना हो जाएगा 54, ठीक है,
और प्लस माइनस माइनस दो का एक्स में करेंगे कितना जाएगा 2x, और बराबर में कितना है 210, तो बराबर में 210 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे रहने दीजिए, 227x में से 2x घटेगा कितना बचेगा प्लस 25x, और प्लस कितना 54 बराबर 210, इतना कंफर्म हुआ। अब आपको क्या करना है, पंचांतर कर देना सभी को, माइनस एक्स को उस तरफ जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 उस तरफ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 25x, और ये जो 54 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 210 और माइनस कितना 54 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस कितना 25x, और प्लस यहाँ घटाएंगे 10 में से 4 गया कितना 6, और यहाँ बचेगा 0, एक जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 156 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर 156 आया, जोड़ने घटाने में कितना आया दोस्तों 15, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 13 में 156, तो यहाँ लिखिए दोस्तों 12x माइनस कितना 13x, 12 13 25 तो 12 13 में 156, ठीक है, तो 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। दो दो का क्या बना लीजिए दोस्तों, जोड़ा बना लीजिए, तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन करेंगे तो x से x कटेगा x बचाएगा, x से x कटेगा माइनस कितना जाएगा 12, फिर माइनस यहाँ देखिए 13 कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस प्लस माइनस 13 से काटेंगे 156, तो 13 एक का 13 और 13 दूना 26 यानी 12 आ जाएगा बराबर में 0, तो एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 12 मिल रहा है, तो इसको एक्स माइनस 12 के कोष्टम कर देंगे, अगले कोष्टम बचेगा एक्स माइनस 13, तो एक एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों कोष्टकों के बराबर 0 हो गया, तो क्या करना है दोस्तों, एक्स माइनस 12 बराबर 0 मानेंगे, 12 उस तरफ जाएगा क्या निकलेगा माइनस में प्लस में निकलेगा, एक्स बराबर 12, यहाँ से निकालेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर निकालेंगे बराबर कितना आएगा 13। तो आपको बड़ी संख्या नहीं लेना है, जब भी लेना है दोस्तों छोटी संख्या लेनी होती है, ठीक है, तो हम यहाँ से मान लीजिए क्या लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं। अब छोटी संख्या है क्या, यहाँ पे 12, ठीक है, छोटी संख्या ले लेंगे। तो शेफाली ने गणित में कुल कितने अंक प्राप्त किए, गणित में प्राप्त अंक लिख दीजिए, गणित में प्राप्त अंक, तो हमने यक्स माना था, यक्स जगह कितना लेंगे 12, तो 12 हो गए। और अंग्रेजी निकालेंगे तो अंग्रेजी क्या है, 30 माइनस क्या 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 में से 12 घटे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये शेफाली का, ठीक है। अब जब गणित में 13 अंक मिले तो ये तो 12 पे निकाले हमने, अब 13 को ले लेंगे तो लिख दीजिए, जब गणित में 13, तो जब गणित में 13 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गणित में 13 लिखेंगे, ठीक है, और फिर अंग्रेजी में कितना निकलेगा, तब अंग्रेजी में निकलेगा 30 माइनस 13, तो आ जाएगा वहां पे 17, ठीक है, 13 को लेंगे तो 13 17 आएगा, 12 को लेंगे तो 12 18 आएगा, ठीक है दोस्तों, यही आपके आंसर हो जाएंगे, आप चाहे 12 को लेकर हल कर लीजिए या तो 13 को, हमारा राय मानिए 12 को लेकर हल करिए छोटे अंकों को, ठीक है, तो यही आंसर हो गया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। शेष सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर मिलेंगे, और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।